आज आपने जो है नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे? सर, अभी पीछे एक पत्रकार साथी ने भी यही सवाल किया था कि हमारे शहर में ऐसे कोई ऐसा क्या है जो मुद्दे नहीं है। हमारे सारे मुद्दे ही हैं, सारी नगर पालिका, सारा शहर हर तरह से उलझा हुआ है। कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कोई मुद्दा ना हो। सारे गंभीर मुद्दे हैं, सफाई को लेकर, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर, सीवरेज को समस्याओं को लेकर, सफाई को लेकर, एवरीथिंग, आवारा जानवरों को लेकर, और चाहे भेदभाव को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो। हमारी नगर पालिका पूरे हरियाणा में सबसे पॉपुलर नगर पालिका है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँगा, सारे मुद्दे ही हैं। इन मुद्दों को सरकार, हमारी जनता ने हमें मौका दिया तो सारे मुद्दे सुलझाएंगे, और ऐसे सुलझाएंगे फिर कभी मुद्दे उलझे ही नहींगे। पूरे शहर का सर्वांगीण विकास होगा और जनता को, सारे समाज को साथ लेकर, सारी जनता की उम्मीदों पर संपूर्ण तखरा उतरा जाएगा। बस यही है कि जनता के लिए जीना है और जनता के लिए मरना है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। तो सर, आज काफ़ी गैदरिंग है जनता के, आपके साथ काफ़ी प्यार है, काफ़ी आशीर्वाद काफ़ी मिला है, तो किस तरह से देखते हैं चुनाव को, कैसे किस एंगल से लेके जाने वाले हैं? सर, बहुत ज़्यादा शब्दों में क्या कहूँ, आप भी समझदार हैं। जब जन समर्थन है, सारे शहर के लोग हैं, और जब इतना है तो जीत लगभग, जनता ने चाहा, भगवान का आशीर्वाद, तो लगभग जीत निश्चित है। बस समय आएगा, हम आपके बीच फिर से होंगे। जनता के इतना प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मेरे साथ आए थे, मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा। जीवन में खून पसीने से मैं उनका कर्जा चुकाऊँगा। समाज हित में कार्य करके उनका ऋण उतारने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहाँ जाए सच के साथ।